लू और गर्मी से बचने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अधिक से अधिक पानी पिएं। अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो भी आप पीने की आदत डालें। हल्के रंग के पसीना सोखने वाले सूती कपड़े पहनें। घर से बाहर निकलते समय धूप के चश्मे, छाता, टोपी यानी हैट और चप्पलों का प्रयोग करें। साथ ही अगर आप खुले में काम करते हैं तो सर, चेहरा, हाथ पैर को गीले कपड़े से ढककर रखें। तेज धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करें। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो ऐसे में उसको साए में ले जाकर लिटा दें और सूती गीले कपड़े से उसका बदन पोछें या उसको नहलाएं। यात्रा करते समय पीने का पानी ज़रूर साथ रखें। इसके अलावा कच्ची प्याज भी ज़रूर खाएं और साथ ही अपने ऊपरी जेब में भी रखें। लस्सी, कच्ची अंबियों का पन्ना, इमली का पानी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट कैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, बेहोशी आदि को पहचानें। अगर बेहोशी या बीमारी अनुभव करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें। अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे, दरवाजे आदि का प्रयोग करें और रात और शाम के समय कमरों और घर को ठंडा करने के लिए इन्हें खोल दें। पंखे, गीले कपड़े का प्रयोग करें तथा बार बार नहाएं। कार्यस्थल पर पीने का पानी ठंडा रखें। सीधे धूप की रोशनी में जाने से बचें। ख़ास तौर से अगर आप पेट के शौकीन हैं तो फिर जानवरों को या फिर बच्चों को गाड़ी के अंदर कभी भी ना बंद करें, या फिर बच्चों को या किसी जानवर को गाड़ी के अंदर अकेला ना छोड़ें। दोपहर को 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। सूर्य के ताप से बचने के लिए जहां तक संभव हो घर के निचले मंजिल पर रहें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और बासी या इन्फेक्टेड खाना खाने से बचें। अगर आप इन सब बातों का ख्याल करेंगे तो आप अपने आप को लू से या हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। कोशिश करें कि जब तक कि कोई काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें।